So guys, you can see like a person from non-security department doing an internship with in Australia, then in Amazon, and getting in placement with Goldman Sachs is something very different and something and very unusual. So guys, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कसिंग कि गोल्डमैन सैक्स में इनका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था, क्या क्या हुआ था, क्या क्या उन्होंने कैसे इंटरव्यूज कैसे क्वेश्चंस थे. और नेक्स्ट पार्ट में ऋषभ विल बी शेयरिंग हिज जर्नी कि कैसे उन्होंने सेकंड ईयर से सोच लिया था कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे अमेजन जाना है, तो उन्होंने क्या क्या करा था. तो लेट्स स्टार्ट विथ योर प्लेसमेंट प्रोसेस. तो हम टेस्ट से स्टार्ट करते हैं कि गोल्डमैन सैक्स के टेस्ट में सबने सुना है चार पांच सेक्शन आते हैं, ये होता है वो होता है. तो आप थोड़ा बताइए कि टेस्ट में होता क्या क्या है और कैसा सेलेक्शन. ओके सर, तो टेस्ट के मेजरली पांच सेक्शंस होते हैं और ये सबको जरूर याद रखना चाहिए कि वो पांच सेक्शंस में आप बीच में स्विच कर सकते हो. तो एवरी सेक्शन हैज इट्स टाइम लिमिट. जैसे फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट कोडिंग एंड देर आर टू क्वेश्चंस फ्रॉम कोडिंग. तो दिस ईयर देर आर टू क्वेश्चंस. वन वन वाज फ्रॉम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एंड द सेकेंड वन वन वाज फ्रॉम ग्राफ. सो एंड द सेकेंड सेक्शन इज इन्वॉल्विंग क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स. सो उसमें प्रॉबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन रहते हैं एंड मैट्रिक्स अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर. 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें. और थर्ड सेक्शन जो होता है हमारा, वो उसमें कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए और क्वेश्चन फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्रीज एंड एवीएल ट्रीज, रेड ब्लैक ट्रीज. सो थ्योरी क्वेश्चन, बेसिकली थ्योरी सब्जेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस. इसमें भी 10 क्वेश्चन होते हैं. एंड द फोर्थ सेक्शन इज बेसिकली द एडवांस कोडिंग सेक्शन. दिस सेक्शन इज हैविंग अ मैक्सिमम टाइम ऑफ 45 मिनट्स. एंड द लास्ट सेक्शन इज द सब्जेक्टिव सेक्शन. सो दैट्स हैविंग अ 15 मिनट लिमिट. एंड इसमें दो क्वेश्चन होते हैं इस बार. इस बार भी दो क्वेश्चन थे. वन वॉज फ्रॉम अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दैट कि अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज आप किसी सिचुएशन में कैसे आपने शो करी है अपनी रियल लाइफ में. एंड द सेकेंड क्वेश्चन आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ वो भी ऐसी क्वेश्चन होता है जिसमें आपको वर्ड्स में लिखना होता है. उसके बाद जो सेक्शन स्विचिंग है वो मैंने बताई थी. और टाइम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वो टाइम मैनेजमेंट. आप कैसे कैसे क्वेश्चन को क्या कहते हैं हैंडल कर रहे हो, क्योंकि हर सेक्शन की टाइम लिमिट है. एंड डूइंग टू कोडिंग क्वेश्चन इन फर्स्ट सेक्शन इज रियली टफ. तो उसको आपको मैनेज करना होता है. कहते कि आप किसी और सेक्शन में कम टाइम देके आप अपने पहले सेक्शन को अच्छा करना चाहो, क्योंकि जीएस का ऐसा क्राइटेरिया रहता है कि एवरी ईयर वो 3 सेक्शन देखते हैं. 3 सेक्शन आपको अच्छे से मचाने होते हैं. तो उसके बेसिस से ही आपको वो सिलेक्ट करते हैं. और इस बार उनका एडिशनल क्राइटेरिया मेरे ख्याल से ये था कि वो थर्ड 3 सेक्शन में से 3 सेक्शन में से एक सेक्शन मेरे ख्याल से सीजीपीए था. तो यू शुड बी हैविंग अ गुड सीजीपीए अकॉर्डिंगली उसके आपसे. और इस बार उन लोगों ने रेज्यूमे भी देखा है मेरे ख्याल से, क्योंकि फ्रॉम द शॉर्ट लिस्टिंग इट कैन बी सीन देयर. या सो ये दो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप जीएस क्लेम करो तो सीजीपीए आपका, आप कोशिश करो कि 8 से अबव मेंटेन करके रखो सीजीपीए. ओके टू नो मोर अबाउट दिस वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन.